प्रिय दोस्तों, शुभ आशीर्वाद, नमस्कार। मैं पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस पे प्यार सने के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से प्यार सने से मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए, खुद कुंडली देखने की ज्ञाता हो जाए। आज एक बहुत अच्छा वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। कुंडली में शनि शुक्र ग्रह की युक्ति कुंडली के किन किन भावों में प्रशासनिक अधिकारी उद्योगपति और राजनीतिक बनाता है, सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं या उद्योगपति बनते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छा सुख शांति पाते हैं और अपने मेहनत से न्यायाधीश आईएएस आईपीएस बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग को सरकार से प्रशासनिक अधिकारी का पद प्राप्त होता है, ऐसे लोग न्यायाधीश भी बनते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर भी बनते हैं, कलेक्टर भी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग पूर्ण सफल जीवन होता है, ऐसे लोग केमिकल मशीन रियल इस्टेट जमीन संबंधी व्यापार से करोड़ों रुपया कमाते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं और उच्च अधिकारी भी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश प्रशासन सरकार की तरफ से विदेश भेजे जाते हैं, ऐसे लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में शनि शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग कभी कर्जदार नहीं होते हैं, करोड़ों की जायदाद कमाते हैं, अच्छी सम्मान पाते हैं, उद्योगपति भी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, नेता भी बनते हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं, समाज में इनकी अच्छी पैठ होती है। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में आप फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार।